स्टैंड दो वो नीचे है नीचे ये बच्चा भी देख अस्सलाम वालेकुम आए ऊपर से चीजें उतारी जा रही हैं कैसे यार ईमान में लग रही है क्या हुई काम ये करा रही है ऐसे देख रही है सारा ये करा रही है कल मैं तोड़ती मैंने बड़ी सोफा फंस गया बेचारा ईमान तुझे क्या लगता है आएगा नहीं आना इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आए होते हैं आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रही यूनिवर्सिटी छोड़ती है क्या पढ़ाई छोड़ दी ब्लॉगिंग की खातिर पढ़ाई छोड़ दी तो यार कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आज आप सबका मेरे एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में हो क्या है वेलकम तो यार आज का ब्लॉग कुछ ऐसे है कि आज हम कर रहे हैं अपने घर की शिफ्टिंग शिफ्टिंग कैसी हो रही है अभी आपको दिखाती हूँ जरा ये चेक करें सारे घर में खिलाड़े 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 डले हुए हैं अंदर लड़कियां जो हैं वो खाना शाना खा रही हैं और इमन मुझे ऐसे देख रही है जैसे अभी कोई चीज़ उठाएगी और मुझे मार देगी क्यों देख रही हूँ क्योंकि ये पड़ी और मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ यहाँ पे सारी पैकिंग शेकिंग हो रही है सारे बॉक्सेस वगैरह उतारे जा रहे हैं नीचे और आज बड़ा अजीब अजीब सा फील हो रहा है बहुत अजीब फील हो रहा है क्या बताऊँ तुम लोगों को हाय 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 मामा थोड़े दिन रह गए हम जा रहे हैं मामा जो है वो भी रेडी शेडी होने लगी अंदर रूम में सारा कुछ आज चला जाएगा तकरीबन किचन का सामान रह जाएगा बाकी सारा कुछ आज जो है वो शिफ्ट हो जाएगा तो अभी बस थोड़े ही टाइम में हम इसको शिफ्ट करेंगे दूसरे घर में हाय हाय ये जब दूसरा घर बोलते हैं ना तब मेरे दिल को कुछ होता है अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना बड़ा मुश्किल है यार बड़ा मुश्किल हो रहा है जब पहले सोचना चाहिए था पहले क्यों नहीं सोचा मम्मा हमने ये LCD भी पीछे से उतार दी गई सारा कुछ उतार दिया गया है ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा अब क्यों आ रहा है मेरे माइंड में बार बार कि हम जा रहे हैं दूसरा घर दूसरा घर जब आता है ना मेरे दिल को कुछ होता है ये LCD वाला सेशन कितना बुरा लग रहा है सारा कुछ उतरता जा रहा है बस थोड़े ही टाइम में शिफ्टिंग स्टार्ट होने लगी है चीज़ें नीचे उतारी जा रही हैं देखते हैं कितने बॉक्सेस पैक किए हुए थे उही अभी तो 1, 2, 3, 4, 5 नीचे आए ज़्यादा जितना देखने में हमें लग नहीं था ना हमारा इतना सामान होगा पर बहुत ज़्यादा टब्बर भी तो इतना ज़्यादा हाय ध्यान से टेढ़ा टेढ़ा ये बच्चा भी देख अस्सलाम वालेकुम अंकल आए भाई देखना जरा अंकल आए आए ऊपर से चीजें उतारी जा रही हैं कैसे यार ईमान में लग रही है क्या हुई नीचे गिरा नीचे गिरा नहीं गिरा अच्छा अच्छा हाय ईमान हाय यार मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं तुम डांस तुम्हें मारूंगी तुम्हें मारूंगी मुझे क्यों मारना बहुत गुस्सा आ रहा है मेरी वजह से मारूं गुस्सा आ रहा है रो क्यों रहा था से ओवर एक्टिंग कर रहा है तबीयत ठीक है अब हाँ परफेक्ट है बस थोड़ा सा कफ हो रहा है अंकल के साथ अंकल की चोरी हो गई है तुझे पता लगा हाँ पता नहीं आजकल के चोरों को क्या हो गया पागल ही हो गए हैं इससे अच्छा क्या नाम है खुद कमाओ खुद ही खाओ जो हलाल कमा रहा है उसको कमाने नहीं देते उसके पैसे खाने देते जो हलाल नहीं कमा रहा मुझे तो लगता है जो हलाल कमा रहा है उसके पास कम पैसे जो हराम कमा रहा है उसके पास ऐसे लगता है वो तो अमीर बैठे हैं चोरी कर कर के ओए होए बड़ी बात करती है इस लड़की ने अच्छा ये लड़की इतना तैयार शेयर हो के कहाँ जा रही है आज फ्रेंड की बर्थडे है मेरी तरफ से विश कर देना चलो जी कहाँ से इमन सारी दुनिया को पता लग जाए ना तुम्हारे इस जगह में पैसे नहीं मैं यहाँ पे नहीं रखती साथ ही बात चेंज करती नहीं मैं यहाँ नहीं रखती इमन हम शिफ्टिंग करें और तुम एकेडमी जाओ तुम्हारे अंकल की हाथ चोरी हो गई है हाँ मुझे पता ना वो उनकी चोरी हुई है बड़ी हैवी वाली उनका मोबाइल लेकर चले गए उनको गन पॉइंट पे ना मोबाइल ले लिए सारे पैसे ले लिए उनसे सारी चीज़ें जा रही हमारे घर से दिल को कुछ हो रहा है अल्लाह हाफिज इधर इमा इम अल्लाह हाफिज कैसे ना फेस फेस
सही लग रही और शांति बर्थडे है ना, चले जाओ बाय। एक को तो भेज दिया ये आम मेरी मम्मा आज फुल काम वाली बनी हुई है। Hours later. इस लड़की को हम साथ ले आए हैं। हेलो, हम आ चुके हैं। आज मेरा स्कूल भी देखना, आज इसका स्कूल भी शिफ्ट करना ना, तो देखना पड़ेगा हमें। इसको साथ लेके मुझे आना पड़ा है क्योंकि मामा वगैरह सारे पहले ही आ चुके थे, हमने काम वाली आंटी को साथ लेकर आना था क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था, तो फिर मैंने कहा आज देख लेते हैं, बहुत प्यारा है। गुड एस गुड एस चॉइस पे तो किसी किसी को अच्छी होती है ना। अभी अंदर काम शाम हो रहा है, अभी नहीं दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे, बाद में गाइस दिखाएंगे आप लोगों को। और अच्छा थोड़ा सा ये दिखा दो बस, क्या दिखा दो हमारी सामने, कुछ भी नहीं है। हाँ गाइस बहुत खामोशी है हमारे उधर तो, बड़ी चिक 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 चिक, तुम्हारी भी तो चिक चिक करती थी, ये भी हर टाइम बोलती रहती थी चिक 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 के बच्चों के साथ करती रहती थी। मजेदार दिन तो गया, इधर ही सो जाऊं मां, अपन वो वाला कर भूल गई है, एक मिनट में भूल गई है सारा कुछ, उसको बेचना तो था ही। ए इधर आ, इधर जा रही है, इधर ही खड़ी हो जाओ, इधर ही खड़ी रहो। वहां आने लगी थी ना, वहां अब वहां से ये जहाँ चली जाए वहाँ शरारते ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हेलो भाई, मेरा घर नहीं है तुम्हारा घर हुआ, मेरी पड़ोसी हो, कैसी पड़ोसन हूँ मैं, तुम्हारी पड़ोसन हूँ, दफा आज तंग ना करो। सामने प्लॉट है, इसी को हम अपना बना लें प्लॉट, ये वाला, ये जो सामने, ये कॉर्नर प्लॉट है, मुझे पता ही नहीं था, पता नहीं पापा आए नहीं अभी। हमने जो है ना घर में क्यों नहीं व्लॉग स्टार्ट किया, मैं तो सो गई थी 10-15 मिनट, तो मुझे इसने उठाया, मम्मा का फोन आ रहा है, जाना नहीं है, फिर हम जल्दी से काम वाली आंटी को लेकर निकल कर फिर आए हैं। अब मन पंजाबी ना बोलो, मैं तुम्हें स्कूल ऐसे स्कूल दाखिल कराना है इसको हमने, कि लग पता जाएगा इसको कितना पैरा अपना गेट का कलर, तुम चुप करो किसी की बढ़ाई ना करो। अभी हम जो है ना आराम से बैठते हैं, इनका काम शाम करने देते हैं क्योंकि हम कुछ ही दिनों में शिफ्ट होने वाले कुछ दिन पापा भी। चलो भाई अंदर चलो, तो अभी जरा मुझे समझना यार, जान खड़ी है लड़की, क्या है सामान आ गया क्या, लो इतना सामान तो नहीं था हमारा, मान भी है अभी तो आधा आए हैं, आज शिफ्टिंग काफी हद तक हम कर जाएंगे यहाँ पे। ये ऐसे देख रही है जैसे सारा काम ये करा रही है, ऐसे देख रही है जैसे सारा ये करा रही है। तोड़ दी मैंने बड़ी, तुमने दिया था, मैंने तो मैंने लग दी है बात तो नहीं है भाई, अभी मैंने दिखाना नहीं था, बस सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे। आप कहाँ से आ गई हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज सुबह तो आप चंगड़ी, सुबह तो आप चंगड़ी लग रही थी, थकी हुई थी। हाँ थकी थी मम्मी, अभी नहीं दिखा रही मम्मा, मैं अभी ना दिखाऊँ ना, जब हम शिफ्ट हो जाएंगे फिर दिखा। सारा तुमने दिखा दिया, सारा दिखा दिया। ओहो कट करो, कट करो जल्दी कट करो। सोफा फंस गया बेचारा। ईमान तुझे क्या लगता है आएगा? नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, खराब हो गया मम्मा मारा, आ जाना था उधर से ही आना था, वैसे आएगा इधर से, मुझे नहीं लगता, क्या लगता है आएगा, आएगा इसको डर लग गया। ठहरो 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 देखते हैं, आगे है, आगे इधर से ही आना था, इधर से ही आना था। अच्छा सारा सोफा खराब हो गया, इतना महंगा सोफा हमने खराब कर लिया अपना, फटेंगे कोई बात नहीं, हम दोबारा चेंज कर देंगे आपको। फाइनली फाइनली आ गया, आगे 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 इधर 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 बाहर लगा। चलो अब क्या है आंटी, नहीं हो गया अभी, एक पैकेट नहीं आया वो आना, इसकी स्टोरियां ही नहीं खत्म। ये लड़की तो बाहर जा रही है यार, मेरे आईफोन ने तंग किया हुआ, हम बाहर जा रहे थे, अब मैं जा रही हूँ गाड़ी चला के, आईफोन की स्टोरेज फिर फुल हो गई है, मैं बड़ा तंग हूँ इस फोन से, बहुत ज्यादा तंग हूँ। हम घर आ चुके थे, आगे व्लॉग क्यों नहीं बनाया मैंने वो आपको बताती हूँ कि अभी मेरे साथ हुआ क्या है। हुआ कुछ ऐसे है कि मेरा जो आईफोन है ना उसने मुझे इतना डिस्टर्ब किया, इतना डिस्टर्ब किया कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था ना, इसकी स्टोरेज फुल हो गई थी,
और वो जो स्टोरीज थी ना मैं डिलीट भी करी थी, फिर भी व्लॉग नहीं था बन रहा वो, फिर मुझे परचेज करना पड़ा वो करके, तो अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया। मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था ना, सारा मेरा व्लॉग आज इसने ख़राब किया। 4 घंटे मैं लेट हूँ, 2 दिन से व्लॉग नहीं आया। मैं माजरा चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी गलती है, मैं 2 दिन जो थी ना वो एक काम में मसरूफ थी जिसकी वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। बट अब मैं छुट्टी नहीं होगी, मैं मानती हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, 2 दिन मिस हुए हैं, अब आइंदा नहीं होगा। वो भी मजबूरी थी मेरी जिसकी वजह से 2 दिन मिस हो गए हैं। तो अभी देखती हूँ बाकी सब कहाँ है। आप देख रहे होंगे हमारे घर पे थोड़ी शांति हुई हुई है, काफ़ी हद तक हमारा जो सामान है ना वो शिफ्ट हो चुका है। LCD जो अब उतार दी गई है क्योंकि जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं। हम देखते हैं बाकी सब कहाँ है। हेलो जी, यहाँ तो सोया क्या आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम। कड़ा के राम करिए, ये लड़की वहाँ वड़ा गट्टी की है इसने, अब क्या कर क्या रही है, क्या देख क्या रही है, हमें भी दिखाओ शॉर्ट वीडियो। इधर देखो, हाँ व्लॉग बना रही हूँ मैं। मैं क्या और औकात में रहो, बदतमीज बच्चा, सलाम लो जल्दी से। ले लिया सलाम, ले लिया, अब राम करने लगी, राम करने लगी, आ जा बाहर, आ जा आ जा आ जा, मोबाइल यूज करना, अब इसने आना ही नहीं है मेरे साथ। तो बाहर कौन है, फ़ोन आ गया है, ज़रा मैं बात कर लूँ 1 मिनट। अच्छा यार, फ़ोन मैंने सुन लिया है और अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। सारे मुझसे पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, इतने सारे मैसेजेस आए होते हैं, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, यूनिवर्सिटी छोड़ती है क्या, पढ़ाई छोड़ दी है ब्लॉगिंग की खातिर, पढ़ाई छोड़ दी है। नहीं यार, तुम लोगों का क्या हो गया, मैं पागल हूँ, पढ़ाई मैंने कोई नहीं छोड़ी, यूनिवर्सिटी मैंने कोई नहीं छोड़ी। मैं मुझे जो है ना समर वेकेशन हुई हैं, छुट्टियाँ हैं मुझे, जब तक मेरी छुट्टियाँ ख़त्म नहीं होंगी मैं यूनिवर्सिटी कैसे जा सकती हूँ, मुझे बता दो। कुछ ही दिन रह गए, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊँगी। ठंड डाल लो तुम लोग, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैंने क्यों छोड़नी है, मेरा 4 साल पढ़े हैं, 3 साल करके पढ़े हुए हैं, अभी तो स्टार्ट किया मैंने। तुम लोग समझ रहे हो कि मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है व्लॉगिंग की खातिर, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, टेंशन ना लो तुम लोग, मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊँगी कुछ ही दिनों में, पता लग जाएगा आप सबको। और अच्छा मैं ना अभी यार बड़ा ज़्यादा थक के आई हूँ, सुबह आईफोन ने मुझे इतना जलील किया, जितना जलील किया ना कि मुझे आईफोन से नफरत होने लग गई है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सही किया और दोबारा से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, आज का इसने मेरा सारा व्लॉग ख़राब किया इस मोबाइल ने, बड़ा गुस्सा मुझे आया इस मोबाइल पर। तो बाकी सब तो रेस्ट करने लग गए हैं, चलेंगे अंदर रूम में, तो मैं भी बस जा कर रेस्ट करूँगी अब। तो आपसे मिलूँगी कल की वीडियो में एक नए व्लॉग में, एक नए अंदाज के साथ, खुशी खुशी। आज जो है ना सारी तकरीबन आधी से ज़्यादा हमने शिफ्टिंग कर लिया, दिखा देती हूँ क्या क्या चला गया है। ये भी गया नहीं है, यहाँ से LCD उतार ली थी हमने, यहाँ पे रखी हुई है ये जाएगी कल या परसों चले जाएगा ये भी। बाकी यहाँ पे जो सोफ़े थे वो भी जा चुके हैं, उसके अलावा यहाँ पे जो चेयर्स वगैरह थी वो भी जा चुकी हैं। अभी जो रहते हैं चीज़ें वो ये हैं, किचन की सारी चीज़ें भी रहती हैं क्योंकि अभी कुछ दिन हम यहाँ पर, पता नहीं कब जाना है, मुझे खुद को आइडिया नहीं है, अभी कुछ दिन है, जितने दिन आए तब तक। उसके अलावा ये वाली चीज़ें तो यहीं पे रह जाएंगी, और वो एक बैग वो पड़ा हुआ है, ये पड्डे हैं, और भी दराज में काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो मेरा स्टैंड भी यहीं पे पड़ा हुआ। बाकी ऊपर जितनी चीज़ें हैं ये भी हमारे साथ ही जाएंगी, अभी कुछ दिन है जिसकी वजह से अभी इसको हमने पैक नहीं किया। जाने से पहले हम ये वाली नीचे वाला सारा सामान अपने साथ ही लेकर जाएंगे क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ें तो अभी ये जा नहीं सकती हैं, बाकी सारा कुछ जा चुका है, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा चीज़ें जा चुकी हैं। तो आज से बड़ा ज़्यादा थक के आए हैं वैसे। अब मिलूंगी मैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, एक नए अंदाज के साथ। शायद कल मैं कोई इंटरेस्टिंग व्लॉग बना लूँ, कहीं बाहर चली जाऊँ, मुझे शायद कल एक दो काम हैं भी, तो चलते हैं कल कहीं बाहर, या तो फिर कोई और अच्छा प्लान बनाते हैं, देखते हैं क्या करना है कल हमने। तो आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।